दुश्मनों की गोलियों का सामना मैं करूंगा, आज़ाद ही रहा हूं, आज़ाद ही रहूंगा। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। आचार्यः कक्षायां शिक्षयति, आचार्य कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आचार्य भूरमे, अरे रमा श्वः कः दिनांकः अस्ति, कल क्या दिनांक है। रमा श्वः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः अस्ति, कल श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, कल जुलाई माह की 23 दिनांक है। आचार्य जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः किमर्थम प्रसिद्धा, जुलाई माह की 23 दिनांक किस लिए प्रसिद्ध है। किमर्थम अर्थात किस लिए प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध है जुलाई माह की 23 दिनांक है वो क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। प्रिया उत्तर देती है, अस्मिन् नैव दिनांके, अर्थात अस्मिन् यानी इस और एव यानी ही, इसी दिनांक को आज़ाद चंद्रशेखरस्य जयंत्या, चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती का उत्सव आयोज्यते, उत्सव आयोजित किया जाता है। इसी दिनांक को चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती का उत्सव आयोजित किया जाता है। आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रिस्ताब्दे अभवत्, ख्रिस्ताब्दे का अर्थ होता है सन में, चंद्रशेखर का जन्म किस सन में हुआ। विभु उत्तर देता है, चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रिस्ताब्दे अभवत्, चंद्रशेखर का जन्म सन 1906 में हुआ। आचार्य बोलते हैं सम्यक युक्तम भवता, सम्यक का अर्थ होता है ठीक, युक्तम यानी ठीक कहा, भवता यानी तुमने, सम्यक का अर्थ है ठीक, ठीक कहा आपने। पूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा, आचार्य कक्षायां शिक्षयति, आचार्य कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आचार्य अरे रमा कल क्या दिनांक है, रमा कल जुलाई माह की 23 दिनांक है। आचार्य जुलाई माह की 23 दिनांक किस लिए प्रसिद्ध है। प्रिया इसी दिनांक को चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती का उत्सव आयोजित किया जाता है। आचार्य चंद्रशेखर का जन्म किस सन में हुआ। विभु उत्तर देती है, चंद्रशेखर का जन्म सन 1906 में हुआ। आचार्य ठीक कहा तुमने या आपने। अगला है रमा भो आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्, हे आचार्य, रमा पूछती है हे आचार्य चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ, कुत्र का अर्थ है कहाँ, अवगत यानी हुआ, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ। आचार्य उत्तर देते हैं, चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे अलीराजपुर मंडला अंतर्गते भावरा नामक ग्रामे अवगत, चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में अलीराजपुर मंडला अंतर्गते, अलीराजपुर जिले के अंतर्गत, पूर्व में अलीराजपुर झाबुआ का हिस्सा था, झाबुआ जिले का हिस्सा था, इसलिए पहले चंद्रशेखर का जन्म झाबुआ जिला जिले में कहलाता था, लेकिन अलीराजपुर स्वयं एक जिला हो गया है, इसलिए अभी
अब अलीराजपुर जिला माना जाता है। तो चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले के अंतर्गत भावरा नामक ग्राम में हुआ। प्रिया, वो आचार्य कौ तस्य पितरो, हे आचार्य उनके माता पिता कौन थे? पितरो यानि माता पिता। आचार्य उत्तर देते हैं, सीताराम तिवारी तस्य पिता, सीताराम तिवारी इनके पिता, जगरानी देवी च तस्य माता आसीत, और जगरानी देवी इनकी माता थी। विभु, तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत, इनका अध्ययन कहाँ हुआ? आचार्य, वाराणस्याम अर्थात बनारस के एकस्मिन संस्कृत विद्यालय, एक संस्कृत विद्यालय में तस्य अध्ययनम जातम, इनका अध्ययन हुआ। जातम का अर्थ भी हुआ होता है। सा संस्कृतम अधीतवान, इन्होंने संस्कृत सीखी। साश्चर्यम, साश्चर्यम शब्द से अर्थ है आश्चर्य के साथ, सह यानि साथ में, आश्चर्यम यानि आश्चर्य के साथ, सर्वे अहो अरे, ऐसा संस्कृतम अधीतवान, इन्होंने संस्कृत सीखी, अर्थात इतने बड़े क्रांतिकारी ने संस्कृत सीखी, इसलिए विद्यार्थी चकित होकर पूछते हैं, अरे इन्होंने संस्कृत सीखी। पीयूषा, ततः किम अक्रोत, पीयूष कहता है इसके बाद क्या किया? पूर्ण पैराग्राफ इस प्रकार होगा, हे आचार्य चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ? आचार्य, चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले के अंतर्गत भावरा नामक ग्राम में हुआ। प्रिया, हे आचार्य इनके माता पिता कौन थे? आचार्य, सीताराम तिवारी इनके पिता और जगरानी देवी इनकी माता थीं। विभु, तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत, इनका अध्ययन कहाँ हुआ? आचार्य, बनारस के एक संस्कृत विद्यालय में इनका अध्ययन हुआ, इन्होंने संस्कृत सीखी। सभी आश्चर्य से, अरे इन्होंने संस्कृत सीखी। पीयूष, इसके बाद इन्होंने क्या किया? आगे, आचार्य वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन एव, बनारस में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए ही, अध्ययनम अर्थात अध्ययन, अध्ययन कुर्वन अर्थात करते हुए, एव यानि ही, संस्कृत बनारस में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए ही, पंचदश वर्षीय अर्थात 15 वर्षीय चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता आंदोलन प्राविशत, स्वाधीनता आंदोलन में या स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। बनारस में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए ही 15 वर्षीय चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। आंग्ल ही अर्थात अंग्रेजों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलनकारिणाम, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के दमन काले अर्थात दमन के समय में, दमन का अर्थ होता है अत्याचार करना, दमन के समय में अंग्रेजों के द्वारा स्वाधीनता सेनानियों के दमन के समय में, शाह यानि इन्होंने पाषाण खंडेन यानि पत्थर के टुकड़े से एकम रक्षकम प्राहरत, एक सैनिक को मारा। रमा, ततः किम अभवत, इसके बाद क्या हुआ? आचार्य, ततः प्रहरी तम निग्रह, तब प्रहरी ने अर्थात सैनिक ने इनको पकड़कर, निग्रह अर्थात पकड़कर न्यायालय प्रस्तुतवान, न्यायालय में प्रस्तुत किया। तब प्रहरी ने पकड़कर, निग्रह का ध्यान रखें, निग्रह यानि पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रिया, न्यायालय किम जातम, अर्थात न्यायालय में क्या हुआ? आचार्य, न्यायालय न्यायाधीशेन, न्यायालय में न्यायाधीश के द्वारा, तस्य
आयुषो गणनानुसारम इनको आयु की गिनती के अनुसार पंचदश बेत्र प्रहारे सह दंडिता, 15 बेत मारने की सजा से दंडित किया। बेत यानी डंडा होता है, दंड होता है, तो 15 बेत मारने की सजा से दंडित किया। पूर्ण पैराग्राफ इस प्रकार है, बनारस में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए ही 15 वर्षीय चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। अंग्रेजों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलनकारियों के दमन के समय में पत्थर के टुकड़े से एक रक्षक को मारा। तब क्या हुआ आचार्य, तब पहरी ने इनको पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रिया, न्यायालय किम जातम, न्यायालय में क्या हुआ आचार्य, न्यायालय में न्यायाधीश ने इनको आयु की गणना के अनुसार अर्थात उम्र की गिनती के अनुसार 15 वैद मारने की सजा से दंडित किया। विभु, दंड काले चंद्रशेखर से का प्रतिक्रिया अवगत। विभु बोलती है, दंड के समय में अर्थात जब दंड दिया जा रहा था 15 वैद मारने का चंद्रशेखर को, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई। दंड काले चंद्रशेखर से का प्रतिक्रिया अवगत, दंड के समय में चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई। आचार्य बोलते हैं, प्रथमम तु यानी सबसे पहले तो चंद्रशेखर न्यायाधीश है, चंद्रशेखर और न्यायाधीश के संवादम श्रुणुत, सबसे पहले तो चंद्रशेखर और न्यायाधीश के संवाद सुनो। न्यायाधीशा, किम तब नाम, न्यायाधीश पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर उत्तर देते हैं, आजादहा अर्थात आजाद। चंद्रशेखर क्या कहते हैं, आजाद। न्यायाधीशा, किम तब पितु नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखरा, स्वाधीना अर्थात स्वतंत्रता, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। न्यायाधीशा, कुत्र तब ग्रहम, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखरा, कारागारा अर्थात जेल में। पूरा एक बार फिर से देख लें, दंड काले चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई। आचार्य, सबसे पहले तो चंद्रशेखर और न्यायाधीश के संवाद सुनो। न्यायाधीश, किम तब नाम, तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर जवाब देते हैं, आजाद। न्यायाधीश, किम तब पितु नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर, स्वाधीन। न्यायाधीश, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर, जेल या कारागार। पीयूषा, ततस्ततः, इसके पश्चात, ततः दंत ततः है ये, इसके बाद क्या हुआ। तो आचार्य, ततस्तु वेत्र प्रहारे, इसके बाद बेतों के प्रहार से चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर ने मूर्छा पर्यंतम अर्थात बेहोश होने तक, मूर्छा पर्यंत, इतने छोटे बच्चे को 15 वेत मारने की सजा से दंडित किया गया। और उनको जब डंडे मारे जा रहे थे तो वह चोट के कारण बेहोश हो गए थे, तो तब इसके बाद बेतों के प्रहार से चंद्रशेखरा मूर्छा पर्यंतम अर्थात मूर्छित होने तक, जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, इति उच्चे अघोषयत, यह ऊंची आवाज़ में बोलते रहे। तस्मात कालादेव, तस्मात यानी उसी, कालात धन एव, उसी काल से ही, उसी समय से ही, सा आजाद चंद्रशेखरा, वह चंद्रशेखर आजाद, इति नामना प्रसिद्धा, वह इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद बेतों के प्रहार से चंद्रशेखर ने मूर्छित होने तक भारत माता की जय हो, यह ऊंची आवाज़ में बोलते रहे। इसी समय से ही चंद्रशेखर आज़ाद इस नाम से प्रसिद्ध हुए। रमा, स्वतंत्रताए शह किम कृतवान, स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या किया। आचार्य, तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी,
इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिका नाम एकम संगठनम कृतम। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक संगठन बनाया। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इस नाम का स्वाधीनता सैनिकों का एक संगठन बनाया। तस्मिन संगठने इस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदरसा इस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव जैसे सदरसा अर्थात जैसे शिवराम सुखदेव जैसे क्रांतिकारिणा अर्थात क्रांतिकारी तस् सहायका अभवन, इनके सहायक हुए। काकोरी अर्थात काकोरी कांड प्रसिद्ध, काकोरी कांड बहुत ही प्रसिद्ध है। अंग्रेजों का खजाना ले जा रही ट्रेन को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया था, तो वह जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के लोगों ने उसको लूटा था। चंद्रशेखर आज़ाद आदि उसमें प्रमुख थे। तो काकोरी कांड, साइमन कमीशन का विरोध, केंद्रीय असेंबली मध्य केंद्र की असेंबली में केंद्रीय संसद में के बीच में आग्नेय अस्त्र अर्थात बम प्रक्षेपणादिशु बम का विस्फोट आदि कार्यों में सह श्रोमणि वह प्रमुख थे, मुख्य थे। श्रोमणि का अर्थ होता है मुख्य, प्रिया। कहा तस्य आदर्श, इनके आदर्श क्या थे? आचार्य देशभक्ति, केवल एक ही आदर्श देशभक्ति। अपिच और भी तस्य जनकस्य सहायार्थम, इनके पिता की सहायता के लिए मित्रहे प्रदत्तम धनम अपि, मित्रों के द्वारा दिया हुआ धन भी सा क्रांतिकारेषु व्ययम कृतवान, इन्होंने क्रांति के कार्यों में व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। अर्थात इनके पिता बीमार रहते थे और उनके इलाज के लिए उनके मित्रों ने पैसे इकट्ठे किए, पैसा चंदा किया और उनके घर में रखा हुआ था। चंद्रशेखर राजा ने उस धन को भी क्रांति के कार्यों के लिए उपयोग कर लिया था। पूर्ण पैराग्राफ फिर से देखते हैं। पीयूष ततस्तता, इसके बाद आचार्य, इसके बाद बैतों के प्रहार से चंद्रशेखर ने मूर्छित होने तक भारत माता की जय हो यह ऊंचे आवाज़ में बोलते रहे। उसी समय से ही वह चंद्रशेखर आज़ाद इस नाम से प्रसिद्ध हुए। रमा, स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या किया? आचार्य, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यह स्वाधीनता सैनिकों का एक संगठन किया। इस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी इनके सहायक हुए। काकोरी कांड, साइमन कमीशन का विरोध, केंद्रीय संसद के बीच में बम विस्फोट आदि में वह प्रमुख थे। प्रिया, इनके क्या आदर्श थे? आचार्य देशभक्ति। और भी, इनके पिता की सहायता के लिए मित्रों के द्वारा प्रदान किए हुए दिए हुए धन को भी इन्होंने क्रांति कार्यों में व्यय कर दिया। विभु, कथम कदा च तस्य बलिदानम अवत, कब, कदा यानी कब होता है, कथम यानी कैसे, कब और कैसे तस्य बलिदानम अवत, इनका बलिदान हुआ, इनकी मृत्यु हुई। आचार्य, फरवरी मासस्य सप्तविंश तितमे दिनांके, फरवरी माह की 27 दिनांक को 1931 ख्रिस्ताब्दे सन 1931 में इलाहाबाद नगर जो पूर्व में प्रयाग नगर था और वर्तमान में भी इसका नाम प्रयाग नगर कर दिया गया है, तो इलाहाबाद नगर या प्रयाग नगर में आज़ाद उद्यान जो पूर्व में अल्फ्रेड पार्क के नाम से प्रसिद्ध था,
आजाद उद्यान में इति स्थाने इस स्थान पर आंग्ल गुप्तचरण अधीक्षकेण अंग्रेजों के गुप्तचरों के प्रमुख गुप्तचरों के अधीक्षक नॉट बावरेण सह नॉट बावर के साथ में बावरेण यानी बावर से नॉट बावर से गोली का भी युद्ध माना गोलियों से युद्ध करते हुए यदा आत्मानम असहायम अमन्यत जब अपने आप को असहाय माना अर्थात सारी गोलियां इनकी खत्म हो गई और जब इनको लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तदा निग्रह भयात तब पकड़े जाने के डर से निग्रह भयात अर्थात पकड़े जाने के डर से स्वहस्ते नेव अपने ही अपने हाथ से ही स्वयाने अपने हस्ते ने आने हाथ से एव याने ही स्वहस्ते नेव अपने हाथ से ही स्व किए मस्तके अपने मस्तक पर स्व किए याने अपने मस्तके याने मस्तक पर गोली का प्रहारेण गोली के प्रहार से सा वीरगतिम प्राप्नोत इन्होंने वीरगति प्राप्त की। पूर्ण कर पैराग्राफ एक बार फिर से देखते हैं कब और कैसे इनका बलिदान हुआ। आचार्य फरवरी माह की 27 दिनांक को सन 1931 में इलाहाबाद नगर में आज़ाद उद्यान में इस स्थान पर अंग्रेजों के गुप्तचरों के अधीक्षक प्रमुख नॉट बावर के साथ गोलियों से युद्ध करते हुए जब अपने आप को असहाय माना तब पकड़े जाने के डर से अपने हाथ से ही अपने मस्तक पर गोली के प्रहार से वीरगति प्राप्त की। तो छात्रों ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हम नमन करते हैं। धन्यवाद।